गीताकिरण.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वो है गोलगप्पे की रेसिपी। गोलगप्पे की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पर फिर भी आप लोगों की बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारे गोलगप्पे बनते नहीं, पिचक जाते हैं या फिर क्रिस्पी नहीं बनते, पूरी जैसे सॉफ्ट हो जाते। तो आज मैं खुद एक ऐसे इंसान को लेकर आई हूँ जो कि गोलगप्पे बनाने का ही काम करते हैं। वो खुद गोलगप्पे बनाकर दिखाएंगे और वो स्क्रीन पे नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं है स्क्रीन पे बोलने की। तो मैं जो भी उन्होंने बातें मुझे बताई हैं, जो भी टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं कि गोलगप्पे बनाते टाइम क्या हमें टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो गोलगप्पे बनाएंगे वही बनाएंगे, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि उन्होंने मुझे क्या बताया और किस तरीके से आपको गोलगप्पे बनाने चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए आधे किलो बारीक वाली सूजी, हमें मोटी वाली सूजी नहीं लेनी है। और इसमें हम गरम तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, वो भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं 180 ml के करीब। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ ऑयल को, और ऑयल हमारा गरम है इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे 180 ml के करीब हमने ऑयल डाल दिया है 500 ग्राम सूजी में, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे इसे गूंदने के लिए। तो हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें, जिस तरह से भैया तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वो तैयार कर रहे हैं, किस तरह से मिक्स कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है किस तरीके से गोलगप्पे वाले भैया डो लगा रहे हैं। तो अभी ये आपको आटे की तरह नहीं लगेगा, आपको लगेगा थोड़ा गीला है क्योंकि सूजी को टाइम लगता है पानी को अब्सॉर्ब करने में। तो देखिए किस तरह से वो मल रहे हैं आटे को। तो सेम इसी तरीके से आपको आटा लगाना है, सूजी लगानी है। ये देखिए इस तरह से इन्होंने डो तैयार कर लिया है, मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए कितना ये सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आमतौर पे हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम सूजी को टाइट रखते हैं, ये सोचते हैं कि शायद टाइट रखने से जो सूजी के गोलगप्पे हैं वो क्रिस्पी बनेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको दिखाया जो डो था वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट था। और इसे हम हाथ के हाथ बनाते हैं, इसे रेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं रखते। और आप देख सकते हैं भैया किस तरीके से पटक पटक कर इस डो को मल रहे हैं। इसे कम से कम 7-8 मिनट तक इस तरह से पटक पटक कर आपको मलना है, ज़ोर ज़ोर से पटकना है इस तरह से काउंटर पर। आप देख सकते हैं किस तरह से भैया ज़ोर ज़ोर से पटक रहे हैं इसे और मलते जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप इसे पटक पटक कर मलेंगे उतने ज़्यादा आपके क्रिस्पी गोलगप्पे बनेंगे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल चिकना करना है और बिल्कुल भी जो सूजी है वो फील नहीं होनी चाहिए, जो आपका डो है वो बिल्कुल चिकना हो जाना चाहिए जैसे मैदा होता है। अब भैया ने जो कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा था उसमें हल्का सा इस डो को डिप किया है और फिर से इसे मलना शुरू किया है। तो 2-3 बार भैया ने इस तरह से किया, कढ़ाई में जो ऑयल हमने फ्राई करने के लिए रखा है गोलगप्पे उसमें हल्का सा डो को डिप किया और फिर इसे मला 7-8 मिनट तक। अब भैया देखिए किस तरह से लोइयां तोड़ रहे हैं। जो सूजी के गोलगप्पे होते हैं वो आटे के गोलगप्पे से थोड़े से हैवी होते हैं, तो इसलिए जो आटे के गोलगप्पे की मैंने रेसिपी दिखाई थी उसमें जो पेड़े थे वो बहुत छोटे साइज़ के थे, यहाँ पर इन्होंने थोड़े से बड़े पेड़े लिए हैं। तो इस तरह से ये पेड़े तोड़ लेंगे और एक एक करके गोलगप्पे बेलते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है जो आटे के गोलगप्पे होते हैं वो सारे एक साथ बेल लेते हैं फिर फ्राई करते हैं, और जो सूजी के गोलगप्पे होते हैं वो एक एक करके बेलते जाते हैं और कढ़ाई में डालते जाते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। सूजी के गोलगप्पे थोड़े हैवी होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, और जो ऑयल है वो आपका बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए, उसमें से धुआँ निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो किस तरह से आप देख सकते हैं एक एक
गोलगप्पा भैया डालते जा रहे हैं और ये फूलता जा रहा है, इसे फुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये खुद फूलते जा रहे हैं। और जो आपका तेल है वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धुआं निकलना चाहिए, इतना तेज़ आपका तेल गर्म होना चाहिए, तभी आपके गोलगप्पे क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ज़्यादा फूलेंगे। तो भैया ने मुझे बताया कि वो जब गोलगप्पे बनाते हैं तो उनकी जो कढ़ाई का साइज़ होता है वो और भी ज़्यादा बड़ा होता है, और जो गैस बर्नर होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो जो उनके गोलगप्पे होते हैं वो इससे भी ज़्यादा फूलते हैं, इससे भी बड़े साइज़ के बनते हैं। पर जो हम घर में इस तरह से कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं इसमें उतने बड़े गोलगप्पे नहीं बनेंगे, क्योंकि कढ़ाई छोटी है और गैस बर्नर भी छोटा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भैया गोलगप्पे बना रहे हैं, हल्का हल्का ऐसे इसे हिला रहे हैं, और ये जो गोलगप्पे हैं एक साइड से डार्क होते हैं, एक साइड से थोड़े लाइट कलर के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में मिलते हैं। और देख सकते हैं कितने अच्छे गोलगप्पे ये तैयार हो रहे हैं फूल फूल के। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरह से भैया बना रहे हैं गोलगप्पे, और ये देखिए कितने अच्छे फूले फूले गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में, तो ये देखिए कितने बढ़िया गोलगप्पे तैयार हुए हैं। तो आप एक एक चीज़ को देखिएगा किस तरह से भैया बना रहे हैं, किस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या वो टिप्स मुझे दे रहे हैं गोलगप्पे बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से एक एक गोलगप्पा वो डाल रहे हैं। जब उन्होंने आटे के गोलगप्पे बनाए थे तो वो एक साथ डाले थे कई सारे, पर यहाँ पे वो एक एक गोलगप्पा बेल रहे हैं और एक एक डालते जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, सूजी के गोलगप्पे एक एक करके डाले जाते हैं, हाथ के हाथ बेलते हैं और उसी टाइम डालते जाते हैं, पर जो आटे के गोलगप्पे होते हैं पहले एक साथ सारे बेल लेते हैं, उसके बाद हम उसे फ्राई करते हैं। पर फ्राई करने का तरीका सेम है, जो आपका तेल है वो बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए, नहीं तो आपके गोलगप्पे बिल्कुल नहीं फूलेंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो गैस को आपको फुल पे रखना है, और तेल आपका अगर बिल्कुल ज़रा भी ठंडा हो जाएगा तो आपके गोलगप्पे उतने नहीं फूलेंगे और उतने ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं भैया किस तरह से एक एक गोलगप्पा डालते जा रहे हैं, वो अपने आप फूल रहा है, उसे फुलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे फूले फूले गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं, और बिना इसे टच किए, भैया ने एक बार भी इसे टच नहीं किया है, सिर्फ वो बेल रहे हैं और डालते जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से गोलगप्पे अपने आप फूल रहे हैं। बस इस तरह से डालते जाएं, एक एक करके गोलगप्पे अपने आप फूलते जाएंगे, पकते जाएंगे, और गैस को हाई फ्लेम पे रखें। और इस तरह से ये देखिए गोलगप्पे को हिला रहे हैं भैया, ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तेल को हिला रहे हैं, गोलगप्पे को बिल्कुल नहीं हिला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तेल को हिला रहे हैं भैया, जिससे कि जो गोलगप्पे हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं। तो भैया ने बोला कि अगर वो अपनी कढ़ाई में बनाते हैं तो जो गोलगप्पे हैं उनका साइज़ इससे ज़्यादा डबल होता, कि इसलिए अगर आप जब गोलगप्पे बनाएं तो बड़े से बड़े साइज़ की कढ़ाई लें, और गैस बर्नर भी आपका बड़ा होना चाहिए, तभी आपके गोलगप्पे बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे दो प्लेट में मैंने गोलगप्पे रखे हैं। ये जो पहली प्लेट है इसमें गोलगप्पे आप देख सकते हैं पिचक गए हैं थोड़े से। क्यों पिचक गए हैं? क्योंकि जब भैया ने पहले स्टार्टिंग में गोलगप्पे डाले तो जो तेल था वो तेज़ गर्म नहीं था, तो अगर तेज़ गर्म नहीं होगा तो गोलगप्पे फूलने के बाद फिर से पिचक जाएंगे और वो क्रिस्पी भी नहीं होंगे, और इस तरह से पिचक के पापड़ी बन जाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, गोलगप्पे जब आप फ्राई करें तो तेल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकले। तो जब उन्होंने स्टार्टिंग में जब गोलगप्पे बनाए तो वो तेल इतना तेज़ गर्म नहीं था। तो आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये क्रिस्पी हैं पर उतने ज़्यादा ये क्रिस्पी नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो ये स्टार्टिंग में जब उन्होंने फ्राई किए थे तब का है, जब तेल बहुत तेज़ गर्म नहीं था तो इतने अच्छे गोलगप्पे नहीं बने। अब मैं आपको दूसरी प्लेट दिखाती हूँ, जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था उसके बाद के ये गोलगप्पे हैं, और ये आप देख सकते हैं जैसे मार्केट में मिलते हैं उतने ज़्यादा ये क्रिस्पी गोलगप्पे बने हैं। ये देखिए, तो दोनों में फ़र्क है, तेल अगर कम गर्म होगा तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे गोलगप्पे और फूलेंगे भी नहीं अच्छे से, और तेल जब तेज़ गर्म होगा तो आपके गोलगप्पे बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों तरीके दिखा दिए, जो भैया ने मुझे बताए कि क्या फ़र्क होता है तेल अगर कम गर्म होता है या फिर तेज़ गर्म होता है, तो दोनों में कितना फ़र्क आ जाता है गोलगप्पे बनाने में।
तो ये देखिए कितने बढ़िया बाजार जैसे, एक तरफ से डार्क कलर के और एक तरफ से लाइट कलर के, बिल्कुल फूले फूले गोलगप्पे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी गोलगप्पे इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो भैया ने जो जो मुझे टिप्स और ट्रिक्स बताई वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है और आप इस तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाए और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।